दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। विवेकानंद कैंप में जिस वक्त पानी का टैंकर पहुंचा, उस वक्त हमारे संवाददाता सैयद नजीर वहां मौजूद थे। उनके साथ मौजूद हमारे कैमरामैन ने हर डराने वाली तस्वीर रिकॉर्ड की। टैंकर आते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट पड़ी। ना किसी के चेहरे पर मास्क था, ना कोई दूरी, सिर्फ मजबूरी नजर आ रही थी। तो तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली के चाणक्यपुरी की तस्वीर है, जहां पर टैंकर आते ही लोग इस तरह पानी के लिए टूट पड़ते हैं। समझिए कि ये लोग कितने मजबूर हैं। इनको इस भयानक गर्मी में भी पानी नहीं मिल रहा, यानी ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और उनसे अगर ये उम्मीद की जाए कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, तो ये शायद बेमानी ही होगा, क्योंकि बुनियादी जरूरत तक सरकार उनको नहीं मुहैया करा पा रही है। पानी के लिए लोग पाइप लेकर साथ आते हैं, टैंकर पर चढ़कर पाइप पानी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद मुंह से पानी खींचते हैं। एक ही पाइप से कई लोग पानी खींचते नजर आए, इससे कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि लोग कोरोना के खतरे को नहीं समझते, सरकार जिन दिशा निर्देशों की बात करती है उनके बारे में भी लोग जानते हैं, लेकिन इनका सवाल ये कि पानी नहीं मिलेगा तो काम कैसे चले।